उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट काजल आसाराम एंड वेलकम टू अवर शो कॉफी विद एचआर, जहां हम मुलाकात करेंगे अपने मेहमान के साथ, कुछ गपशप करेंगे और जानेंगे उनके बारे में अदर देन दे प्रोफेशनल वर्क। आज के जो हमारे मेहमान हैं, ना ही वो सिर्फ एक प्रोफेशनल डॉक्टर, एक बेहतरीन काउंसलर और हमारे हॉस्पिटल के क्लिनिकल मैनेजर। 2003 से उन्होंने अपना करियर की शुरुआत की थी एंड स्टिल ही इज एन एक्टिव मेंबर। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट्स इनिशिएट भी किए और लीड भी। प्लीज़ वेलकम नन अदर देन डॉक्टर मंसूर अहमद खोकर। सलाम सर, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। कैसे हैं आप? शुक्र है। और ये पैंडेमिक कैसा चल रहा है? पेंडेमिक इस वक्त थोड़ा सा बहुत डेंजर हुआ है और बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये डेल्टा वेरिएंट है इसमें काफ़ी मतलब मॉर्टिलिटी बढ़ रही है और पेशेंट्स का जो है वो क्रिटिकल स्टेजेस के साथ अस्पताल में आ रहा है। और आशमानी हॉस्पिटल पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जो हमारे पास हमारे पेशेंट्स आए हैं उनको हम अपना बेस्ट दे सकें। और हमारे पास अल्लाह के से एक बेहतरीन ICU और उसकी टीम मौजूद है, जिसमें हम वेंटिलेटर्स के साथ और बाकी तमाम चीज़ों जो भी मतलब पेंडेमिक की ट्रीटमेंट के लिए नेसेसिटीज़ हैं वो सब अवेलेबल हैं और उनको प्रॉपर हम ट्रीटमेंट गाइडलाइंस दे रहे हैं। पब्लिक को बहुत केयर करने की ज़रूरत है और उस पर बहुत ज़्यादा ख्याल करने की जरूरत है। अच्छा सर, ये तो होगी करियर के हवाले से, काफ़ी लोगों के करियर पर फैक्टर हुआ है, आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी फैमिली मेंबर्स पे एज पर योर थॉट क्या इफेक्ट हुई है चीज़ें? कोविड में जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर के चैलेंजेस सबसे ज़्यादा जो बढ़े हैं इस वक्त डॉक्टर के चैलेंजेस बढ़े हैं, क्योंकि डॉक्टर सारा दिन एक तो उसकी जो रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब है, वो अपना फुल टाइम जॉब के हवाले से पेशेंट केयर के हवाले से अपना उसमें देख रहा है, क्योंकि सिर्फ पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं है, उनकी काउंसलिंग, अटेंडेंट की काउंसलिंग, अटेंडेंट के साथ ये दिमाग पैदा करना कि आपके पेशेंट को होते हैं, तो अपनी फैमिली जो है वो थोड़ा बेग स्टेज पर चली गई है और रिस्क पर भी हैं, क्योंकि हम यहाँ से फिर जब अपने बच्चों में जाते हैं तो बहुत केयर रखना पड़ता है स्टरलाइजेशन के हवाले से और सारा सैनिटाइजेशन के हवाले से। घर वाले नाराज नहीं होते आपसे? नहीं, ज़्यादातर हम यहीं पर दे रहे होते हैं, क्योंकि मैं अराउंड 96 से मैंने करियर का स्टार्ट, मतलब MBBS मेरा जहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले भी अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो मैं मैट्रिक से मैं बैचलर अपनी लाइफ जो है मैं 92 से मैं कैडेट कॉलेज का ग्रेजुएट मैट्रिक मैंने किया वहाँ से, फिर हॉस्टल्स में जाके मैंने रहना जो MBBS 5 साल किए जामशेरो हॉस्टल्स में रहना, तो अभी फिर ये जो इस तरह का आ गया तो फैमिली को अंदाज़ा है कि लाइफ जो डॉक्टर की होती है वो पेशेंट के लिए कितनी ज़रूरी है, तो इसलिए वो डिस्टर्बेंस नहीं होते बाकी, क्योंकि ओकेजन्स वगैरह जहाँ ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं तो वो एक एंगर का और सबब फैमिली का भी बनता है, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि हमारी प्रेजेंस डॉक्टर्स फैमिली जो हमारी है इसकी जितनी कम्युनिटी है हमारे पैरामेडिक्स हैं हमारे आप सब एक यानी कि HR भी एक उसमें ऐसा रोल है जिनकी मौजूदगी की वजह से सब सिस्टम जो है चलता है, तो ये फैमिली सबकी हैं लेकिन सबको अपना देना पड़ रहा है, 100% देना पड़ रहा है। आपकी एज पूछ सकती हूँ मैं? अराउंड 45 एज। रियली? क्योंकि जितनी भाग दौड़ आई थिंक आप करते हैं आपकी आपसे ज़्यादा और कोई फिट नहीं है, आपकी फिटनेस का राज क्या है सर? सच तो कोई ये है कि काम से मोहब्बत है, काम हर वक्त उसमें रहते हैं कि कोशिश करें कि अपना फिट पूरा परफॉर्मेंस दे सकें, तो मे बी पॉसिबल है कि ये एक राज हो कि सारा दिन वर्किंग में ही रहना है। ऐसा नहीं है कि ऑफिस, मेरा बेसिकली ज़्यादातर काम ऑफिस है लेकिन मैं फील्ड में रहना पसंद करता हूँ, तो हो सकता है कि इस तरह। आपकी फैमिली में कौन कौन है? हम बेसिकली मैं जॉइंट फैमिली में रहते हैं, फादर मदर हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे सब हम साथ हम भाई हैं आपस में, तो एक हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जी हम सब साथ हैं, मेरे एक भाई जो हैं वो CA किया उन्होंने, तो इस वक्त वो सऊदी अरब में कहीं सर्व कर रहे हैं रियाज में, एक भाई जो हैं वो दाऊद यूनिवर्सिटी में है सिविल इंजीनियरिंग के साथ हैं, तो एक भाई मेरे अपना बिजनेस करते हैं फिश का,
फॉर्म्स हैं कुछ, वहाँ से फिर हम जो है वो मार्केट में फिश सप्लाई करते हैं अपने फार्मिंग करते हैं। फिश तो आपको फ्री में मिलती होगी घर पे, घर पे जब वो भाई लाता है तो वो फिर फ्री में मिलती है, लेकिन अपने लिए मैं लाता हूँ तो फिर परचेज कर उन्हीं से परचेज कर लेता हूँ। लेकिन ये है कि फ्रेश होती है वो, और आप लोगों में से कभी मैं अच्छा तो मतलब कहता हूँ कि अगर कभी आप लोग टाइम निकालो तो एक फॉर्म दे दी करिए, आपको कुछ चाहिए प्लीज हमें बताइएगा जरूर। प्लीज प्लीज ओके। सबसे ज़्यादा एक होता है ना, आपको चीज को देख के बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है, किसको देख के आपको हंसी आ जाती है, समा कुछ तो होगा ऐसा जो आपको मुस्कुराहट आपकी फेस पर आ जाना, वो क्या क्या चीज होती है? मैं मतलब इस चीज को समझता हूँ कि जिस वक्त भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता हूँ और मैं अगर घर पहुँचता हूँ, मैं बच्चों को देखता हूँ तो मेरे चेहरे जो है ना वो खिल उठता है मेरा चेहरा कि मेरी फिल्म में बच्चों में पहुँच गया हूँ। और खासतौर पर मेरा छोटा बच्चा जो है सन अब्बास, वो मुझे मतलब इस तरह की वो बातें करता है जिससे मेरा जो सारा स्ट्रेस और सब खत्म होता है। अच्छी बात है। इस वक्त तो क्योंकि जब करियर शुरू हुआ है तो उसके बाद फिल्म और सॉन्ग से बिल्कुल ही टाइम नहीं है इतना कि उनको देखते तो होंगे या सुनते होंगे। मैं वैसे अगर आप कहें तो वो रेसलिंग थोड़ा सा कभी टाइम मिल जाता है तो वो देख लेता हूँ। स्पोर्ट्स जी मैं क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ, अभी कोई ऐसे स्पोर्ट नहीं है, लेकिन मैं अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था तो वहाँ हमने आप जो ऑर्गेनाइजेशन में क्रिकेट होते हैं और सेमीफाइनल तक हम रहे थे। मैं बेसिकली मतलब अपनी टीम को लीड कर रहा था और बैटिंग को ज़्यादा मतलब तरजीह देता था। अब नहीं है, नहीं जो आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है उसमें इंशाल्लाह ज़रूर हम पार्टिसिपेट करेंगे, जो स्पोर्ट्स वाला है तमाम सब लोगों जी बिल्कुल इंशाल्लाह अपनी टीम को। मैं जो नर्सिंग की और डॉक्टर्स की एक टीम है मैं उसको आप जब ये डेट सर रहेंगे तो ये थोड़ा पैंडमिक की वजह से इंशाल्लाह उसमें हम लीड कर। एज इन चाइल्डहुड सबके कुछ ना कुछ एक ड्रीम होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, आपने क्या सिर्फ डॉक्टरी का ही सोचा था या संभव कुछ और? बेसिकली तो मैं मतलब डॉक्टर का मैंने सोचा ही नहीं था, मैं तो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहता था और वो सर्व करना चाहता था, लेकिन फिर फैमिली फादर का वो ड्रीम था कि आपने जो है ना उस तरह जाना है। तो आपने अपने अराउंड अगर जी इसी तरह पेरेंट्स के हिसाब से फिर मुझे वो उसमें आना पड़ा। और फिर जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया NICVD से और आगा खान में मैंने काम किया, फिर जब अमन एम्बुलेंसेज आए तो उस वक्त एक चीज़ जो हमें फेस होती थी क्योंकि ER में मैं काम करता था तो पेशेंट्स जब आते थे तो कभी वो इतनी क्रिटिकल बाइक्स पे उठा के लोग ला रहे हैं या ऐसी एम्बुलेंसेज आती थी जिसे हम ट्रांसपोर्ट वैन का तो कह सकते हैं लेकिन एम्बुलेंस नहीं कह सकते। तो अमन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जिसमें एक एम्बुलेंस का मतलब प्रॉपर जिसमें एक पैरामेडिक अवेलेबल हो, मेडिसिन हो, जो कि ऑन द वे पेशेंट को फर्स्ट एड दे, गोल्डन टाइम पीरियड को सेव किया था। तो वहाँ से फिर मैंने जब वो ज्वाइन किया उस वक्त मुझे फिर ये हुआ कि एहसास कि मुझे एक लीडर बनना, कहीं पे भी मैं अपना काम करूँ एक लीडर की हैसियत से काम करूँ जिसमें टीम को मैं लीड करूँ, जो उनके साथ चैलेंजेस हैं उनको खुद भी सीखूँ और उनको वो डिलीवर करूँ। आई थिंक यू आर द ग्रेट लीडर, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपने इनिशिएट किए हैं, दोस्तों होंगे आपके इस वक्त तो प्रोफेशनल दोस्त हैं, प्रोफेशनल से हटके फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ कुलीग्स मतलब दोस्त वो, क्योंकि टाइम ऐसा हम डॉक्टर्स की आप जनरली देखें कि चाहे पेंडेमिक अभी तो स्टार्ट हुआ लेकिन उससे पहले भी जो डॉक्टर की लाइफ होती है फिर वो प्रोफेशनल दोस्ती में करवा। कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं आपके स्कूल जाएगा, आपके कॉलेज जाएगा? हाँ ये तो है बिल्कुल, हम अपनी तमाम हम जिस वक्त MBBS मैंने किया तो हम मेरी बेच जो थी अराउंड 500+ के कैंडिडेट्स थे उसमें साथ हम जब से थे। तो एक इस वक्त गुज़श्ता कोई 5-6 सालों से हमने ईयरली एक गैदरिंग ज़रूर करते हैं जिसमें हम एक नाइट जो है 200-300 आपस में जो कलीग्स थे वो मिलते हैं और किसी भी स्पॉट पे और अपनी एक उस रात को हम दोबारा उस तरह स्टूडेंट बन जाते हैं और अपनी चीज़ें जितनी वो रिमेंबर करते हैं या एक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त कैसे थे क्या थे। अब प्रोफेशनल उस प्लेटफॉर्म का एक और बेनिफिट भी हम लेते हैं कि उसमें क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि करियर्स में कहीं कोई प्रोफेसर हैं कुछ हैं
तो फिर एक फोरम के तहत हम वहाँ से अदर कम्युनिटी में कुछ भी हमें करना हो तो वो हम अपना वहाँ से इनिशिएट करते हैं और उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कोई बात शेयर करनी हो, कुछ ऐसी बात जो आपको बस एक ही पर्सन को बताना चाहते हैं, वो हम किससे शेयर करते हैं ज़्यादातर? अपनी जो बेस्ट स्टाफ है उनके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अशवानीस के हवाले से कुछ बताना चाहिए, कोई खास बात अशवानीस की क्या होगी आपके लिए? मैं जब आसमानी में इंटरव्यू देने आया, डॉक्टर शाहिद रज़ा से मेरा इंटरेक्शन हुआ था। फिर मेरे सीईओ ने आसमान आसमानी साहब से मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे जो सर से मिलने के बाद जो उनके विजन का जैसे मुझे हुआ और उनकी जो एक सोच यानी कि एक जनरल हॉस्पिटल को बिल्ड करने के हवाले से उनकी जो थिंकिंग्स हैं या उनके विजन हैं वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे। उन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं आसमानी को ज्वाइन करूँ और एक चैलेंज जो है जो सर ने दिया है उसको एक्सेप्ट करूँ, उसको आगे ले जाऊँ। क्योंकि हम आसमानी हॉस्पिटल आई में एक ब्रांड के नाम है, ब्रांड है और बेस्ट ट्रीटमेंट हम आई में पूरी ओवरऑल हम पाकिस्तान की बात करें, हम दुनिया के बहुत से अदर ममालिक की तो हम दे रहे हैं इस वक्त आई। तो यही सर की जो एक विजन था, इसी तरह हम जनरल हॉस्पिटल को भी कोशिश करें कि एक आला मैार का, जैसे कि ऑलरेडी हैं चीज़ें, ऐसा नहीं कि नहीं, ऑलरेडी अरफान साहब ने बहुत से यहाँ पर जनरल्स में किए हैं, तो हम उसमें मिल के एक टीम बिल्ड कर रहे हैं और जनरल्स को भी इंशाल्लाह इसी तरह एक ब्रांड के लेवल पे ले आएंगे। और आप लोग अभी भी जितने भी आप कर सकते हैं सर्वे, पेशेंट सर्टिफिकेशन के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, नर्सिंग की क्वालिटी, डॉक्टर्स की क्वालिटी के हवाले से, इसमें इम्प्रूवमेंट की नीड होती है और वो सर की गाइडेंस के तहत हम इंशाल्लाह उसको आगे लेके चलेंगे। अभी नहीं सोचा इस तरह रिटायर, डॉक्टर तो डे एंड तक जब तक उसकी अपनी लाइफ है जी, तो वो डॉक्टर तो काम है, आपकी भी तो लाइफ है, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए। तो जो वीकेंड्स हैं कुछ हम उसमें ऐसा प्लान कर लेते हैं कि अपनी जिंदगी को उस एक दिन में जी लेते हैं। चलिए, दैट्स वेरी गुड। आई थिंक डॉक्टर की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो अपने करता ही अपना काम उस पेशेंट्स के लिए, आगे जाके भी करता रहेगा। ओके, सो ये कुछ सवाल थे। अब मैं आपसे कुछ रैपिड फायर राउंड करूंगी, आपके पास दो ऑप्शन होंगे एंड यू हैव टू चूज वन। लाइक ऐसा नहीं है कि आप नहीं, मैं तो ये करता ही नहीं था, मैं तो ये सुनता ही नहीं था, या मैं देखता ही नहीं था। ठीक है, तो आप तैयार हैं? अच्छा, चलिए मुझे बताएं कि पाकिस्तानी बिरयानी या चिकन चाउमीन? पाकिस्तानी बिरयानी। आप बना लेते हैं? कोशिश करता हूँ लेकिन बनती अच्छी नहीं है। आपसे खाना पसंद है या स्पून फोर्क यूज करते हैं? मैं हाथ से ज्यादा पसंद। अगर 90s, क्योंकि ये वाले तो हम सुनते नहीं है, वो वाले सुने थे हमने उस वक्त। कौन सा गाना सुना था? इस वक्त कोई जुनैद जमशेद ने उनके जो ये दिल दिल पाकिस्तान इस तरह के कुछ तो डाले। वैसे भी 14 अगस्त से कोई गाना तो पड़ते साथ में गा लेते हैं अगर आप कहते हैं, क्योंकि मैं रिमेम्बर नहीं है मुझे, मैं तो सिर्फ सुनने की हद तक, आपने कहा कि हाँ या ना, तो सुनने की हद तक तो ठीक है, गाने की हद तक मुश्किल है थोड़ा सा। दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान दिल। पिकनिक पे ज्यादा पसंद जाते हैं वेकेशंस? हां, पिकनिक। लास्ट पिकनिक में गए थे आप? मैं अपनी फैमिली के साथ कीजर गया। हां, कीजर जी। अच्छा, ठीक है, ठट्ठा के पास है और कभी चांस मिले तो विजिट जरूर कीजिएगा। तो नेचुरल लेक है और बिल्कुल, मतलब क्योंकि जो हम स्विमिंग पूल या समंदर तो उसमें इतना वो आप नहीं कर सकते, ये नेचुरल लेक है तो इसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय। स्विट्ज़रलैंड या गिलगित बल्तिस्तान? गिलगित बल्तिस्तान। कभी जाना हुआ आपका? थोड़ा सा पीछे तक, नारायण का जान तक नहीं है, वहाँ इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं। आगे प्लान है आपका? ठीक है, बॉलीवुड के हवाले से ज़्यादा मालूम रखते हैं या टॉलीवुड के हवाले से? मैं बहुत कम मालूम है दोनों के हवाले से, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पिशावरी के ही नाम से फ्लेवर आता है, लेकिन ज्यादा अगर कहें तो कुल्फा वाला फ्लेवर। ठीक है, ट्विटर यूज करते हैं या फेसबुक? फेसबुक यूज करते हैं। पोस्ट बहुत कम, सिर्फ जस्ट स्क्रॉलिंग वगैरह इंफॉर्मेशन। चलो,
चलें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मंसूर, काफ़ी सारी चीज़ें हमें आपके हवाले से पता चली। चलें तो ये थे डॉक्टर मंसूर हमारे साथ, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने नए मेहमान के साथ। प्लीज़ लेट अस नो किसके साथ मजीद आप किसको देखना चाहेंगे, लेट अस नो योर रिकमेंडेशंस एंड रिव्यूज़, क्या पूछना चाहेंगे सवाल, क्या मालूमात मजीद आप करना चाहेंगे।